नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या आर्य और स्वागत है आपका प्राग एक्सप्रेस न्यूज़ पे। आइए आपको लेकर चलती हूँ एक बड़ी खबर की ओर। तहसील करछना में लेखपालों द्वारा तहसीलदार और कानूनगों के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन। आज करछना तहसील में लेखपालों द्वारा किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार कानूनगो राम सागर अपनी कई महीनों की वेतन की मांग को लेकर किया तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन और तहसीलदार का किया घेराव। लेखपालों को आक्रोश में देखकर तहसीलदार महोदय तहसील परिसर से कहीं बाहर चले गए। अपने ज्ञापन को सौंपने के लिए लेखपालों का हुजूर एसडीएम के पास गया। प्रयागराज जनपद के जिला मंत्री विवेकानंद वहां पर मौजूद रहे। लेखपालों के द्वारा तहसीलदार को चेतावनी देते हुए यह कहा गया है कि अपनी आदतों में सुधार लाएं, क्योंकि यह तुगलकी शासन भारत में नहीं चलेगी। रिपोर्टर मदन द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर है तब से, और रजिस्ट्रार कानून को राम सागर, ये दोनों तुगल की नींद फैलाए हुए हैं। माह दिसंबर का वेतन अभी तक हमारे लेखपालों के खाते में नहीं गया, जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है, हिंदू रीति रिवाज में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। अभी तक हम लोगों का वेतन बिल अभी तक नहीं गया। हमारे तमाम साथियों का जो है वेतन, किसी का 4 माह से, किसी का 3 साल से, हमारे एक रिटायर्ड कानूनगो जो अगस्त 2021 में रिटायर हो गए थे सुभाष गुप्ता जी, उनका आज तक जीपीएफ पासबुक भूले कार्यालय में भुगतान हेतु नहीं भेजा गया है, न तो लेखपालों की जीपीएफ पासबुक अद्यावधि की गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज करछना तहसील का लेखपाल आक्रोशित है और रजिस्ट्रार कानूनगो राम सागर को निलंबित करने की मांग करते हुए तहसीलदार महोदय को यह आगाह कर रहा है कि अपनी आदत में सुधार लाएं, वरना इनके खिलाफ हम लोग बिगुल बजाने के लिए बाध्य रहेंगे। इसी बात को लेकर के हमने लोगों ने अपनी मीटिंग किया है। हमारे बीच में हमारे प्रयागराज जनपद के जिला मंत्री भाई विवेकानंद जी भी मौजूद हैं, हमारे जनपद के कोषाध्यक्ष भाई। स्पष्टीकरण दिया गया है अब्दुल गनी लेखपाल अराल में उपजिलाधिकारी महोदय का टेंट लगवा रहा था और उसको इस तहसीलदार द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई। मित्रों, हम लेखपाल जरूर हैं, लेकिन हम किसी भी एसडीएम या तहसीलदार के बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो जब चाहे तब मेरा वेतन रोक दे और जब चाहे तब हमारा वेतन रिलीज कर दे। अभी पता चला कि सिंबल बैठा है तहसीलदार, उसके बाद पता चला निर्वाचन में बैठा है तहसीलदार, यहाँ आने पर भी यहाँ से भी भाग गया। कितने राजेंद्र शुक्ला आम्र अनशनकारी लेखपाल, अध्यक्ष लेखपाल संघ करछना, लेखपाल संघ जिंदाबाद।